Hello, 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 all toppers. A very, very warm welcome in this amazing class of physics. And as you all know, in this ultimate session of physics 2.0. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दुआ सलाम सभी लोगों का और पढ़ाई चल रही है बिंदास सभी 2.0 के स्टूडेंट्स का सभी नए जुड़े स्टूडेंट्स का स्वागत अभिनंदन है। बहुत ज़्यादा शेयर कर दो इसको टॉपर्स कॉपी एनालिसिस बहुत मज़ा आने वाला है। किस तरीके से लिखा है टॉपर ने कहाँ पर उसने गलती करी है क्या हम बेटर कर सकते हैं किस तरीके से आंसर करना है। तो दो तीन क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं कि क्या सर जो पेपर आएगा उसमें हमारे को बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है कि एग्जैक्ट बुक का लैंग्वेज लिखना है। तो उसका आंसर है नो, आपको एग्जैक्ट बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उसी कंसेप्ट को आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। दैट इज द वे टू आंसर, दैट इज द वे टू आंसर। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड आता है कि सर अगर हमारा कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से आंसर करें। सर ज्यादा बड़े बड़े आंसर करने नहीं, तो जितना टू दी पॉइंट आंसर है जितना उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं उनको आप एक्सप्लेन कर दो, आसपास की चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट चलना है। और तीसरा पॉइंट होता है कि सर राइटिंग कैसे लिखनी है, राइटिंग लिखनी है अच्छी, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका नंबर लगाओ, उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन लिखो, काट छांट बिल्कुल मत करो। तो एकदम मक्खन की तरह आप पेपर करोगे तो मक्खन की तरह नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर का हाथ ऐसे चलेगा टक 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 टक। एक बार अगर हाथ ऐसे चलने लग गया तो वो हाथ को रॉन्ग करने में हिचकिचाएगा, डरेगा। तो आपको ये करना है कि भैया जो पहले आ रहे हैं उनको पहले करना है, तो ऐसे हाथ चलवाना एग्जामिनर का ऐसे, उसके बाद बिना काट छांट के काम करो तो गलती भी कर दोगे है ना, तब भी वो आपकी ओमिट हो सकती है। कोई चीज एक आधी कम भी लिख दोगे तो भी ओमिट हो सकती है, लेकिन अगर आपने काट छांट करी कुछ कुछ गलत सलत कर दिया तो फिर वो आपके हाथ ऐसे चलाने लग जाएगा, तो वो हमारे लिए फिर अपन वो यार 100 में से 100 नहीं ला पाएंगे। 100 out of 100 का टारगेट है। बहुत आसान पेपर आता है, मक्खन पेपर स्टार्ट करेंगे। सभी को पैटर्न के बारे में पता है, नया पैटर्न है तो पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहा मैं है ना, जो पेपर था उसको एज इट इज पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ 0.1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10^-9 कूलम। 10^-9 कूलम का चार्ज है, उससे 1 मीटर दूर पर आपको क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है। अच्छा तो V क्या आ जाएगा, K Q by R। K Q कितना है, 10^-9। Q कितना है, 10^-9 और R कितना है, 1। सीधा आंसर आ गया, खत्म बात। ये लो ये 9 volt, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत, तो के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगाए और कुछ नहीं, के क्यू बाई आर SI यूनिट में लिखना है। हम कसम खाते हैं जब भी कुछ भी सॉल्व करेंगे SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ भी सॉल्व करेंगे SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे। चलिए इन द गिवन डायग्राम वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर इज दिस राइट कलर ऑफ फर्स्ट रिंग। ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, फिर भी कर लेते हैं। पहली रिंग का कलर क्या होगा, पहली रिंग का कलर क्या होगा भाई, है ना, ये वाला। तो देखो ये दे रखा था रेड ग्रीन गोल्डन, तो टू किसके लिए होता है भैया, बीबी रॉय 012, तो रेड के लिए टू होता है, तो कलर क्या होगा, एक रेड होगा, सिंपल सी बात है। बीबी रॉय राइट फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स, एक तो चार्ज पर देखते थे और एक करंट कैरिंग पर कंडक्टर पर देखते थे, तो फोर्स क्या आएगा बोलो, I into dl cross b, खत्म। ये लिख दो, चार्ज पर देखोगे तो Q into v cross b, नंबर मिल जाएंगे पूरे। टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हैं टॉपर्स को, देखो क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज I into dl cross b, इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया आंसर पूरा। चलो डिफाइन एंगल ऑफ डिप, राइट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि भैया अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। पोल्स के ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा, नीडल आपकी ऐसे हो जाएगी पूरी वर्टिकल, पूरी क्या हो जाएगी, वर्टिकल मैग्नेटिक पोल के ऊपर। ये तो आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, मैग्नेटिक पोल का मतलब ये आपकी नीडल ऐसी हो जाएगी यहां पर,
मतलब एंगल आएगा 90 डिग्री, एंगल आएगा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। मैग्नेटिक पोल मतलब ये वाला, यहां पर नीडल लेके जाओगे ऐसे ऐसे खड़ी हो जाएगी 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री है, खत्म। राइट रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ, अगर ये पेपर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चों के 100 में से 200 नंबर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मन ऐसा करेगा कि यार सब कुछ लिख दूं। देखो इसको, राइट रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड पीक वैल्यू। तो यार आई आर एम एस दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू, खत्म बात, खत्म। एक एक नंबर के हलवे हलवे सवाल, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। इन एलसीआर अल्टरनेटिंग सर्किट आर दे रखा है, एक्सएल एक्सी बराबर दे रखे, एक्सएल बराबर एक्सी है चिंकू। राइट द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, जेड का फॉर्मूला बच्चे बच्चों को बताए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये आ जाएगा जीरो, तो आर स्क्वायर का रूट मतलब जो आर है वही आंसर है, मतलब 10 ओम, 10 ओम ही इसका सही उत्तर है। ओके, राइट रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और इसका यूनिट क्या होता है? डायप्टर। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पी इज इक्वल टू 1/f। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे बोलो, फील आया क्या मन में? ऐसे भाव उमड़ रहे हैं कि सर ये पेपर अगर हमारे को आ जाता तो हम तो इसको निपटा देते। घर की बात है सारी। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो लिखना क्या है पहले तो हमारा दिमाग क्या कहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी, एक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर या उसके बराबर अगर फ्रीक्वेंसी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दैट्स इट। हाँ, अरे बोलो क्या फील आ रहा है भैया? तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, निपटाया, आगे बढ़े। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डिलीटेड। अगर पढ़ाया होता तो निपटा चुके होते, पढ़ते ही निपटा चुके होते। क्या होता है यहां पर? एक हीटिंग एलिमेंट होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनको इसको गर्म कर देते हैं, फुल गर्म कर देते हैं साहब। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल क्रिस्टल के ऊपर जाएंगे और यहां पर इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड होंगे वो डिफ्रेक्ट पर्टिकुलर थीटा पर आकर यहां पर ऑप्टेन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेटअप को किसका सेटअप बोला जाता है? डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या फील आया? हाँ सर बिल्कुल आया। तो बेसिकली यहां पर हीटिंग एलिमेंट को गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, किस पर डाला जाता है? निकल क्रिस्टल पर डाला जाता है और वहां से वो डिविड होते हैं, डिफेक्ट होते हैं बेसिकली। तो क्या हो गया भैया? थीटा पर डिफेक्ट हो रहे। तो ये आपको डायग्राम बनाना था, डिलीटेड पोर्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट द नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। मतलब 2 से 3 से 4 से, भैया ऊपर वाले से 1 में आ रहा है तो 1 कहां पर आएगा? लाइमन सीरीज। बोलो कहां पर आएगा? लाइमन सीरीज, खत्म बात। लो लाइमन सीरीज। राइट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई इन डायग्राम। आउटपुट बताना है भैया, वाई कितना आएगा? अच्छा ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है ना, एंड गेट है। तो देखो 0 1, तो और का जो और होता है, और का क्या होता है? ए प्लस बी। और एंड का क्या होता है? एंड का क्या होता है? ए इंटू बी। और का क्या होता है? ए प्लस बी। एंड का क्या होता है? ए इंटू बी। तो यहां पर देखो 0 + 1 क्या जाएगा? 1 1 1 का क्या जाएगा? 1 है ना। 1 यहां से आया, तो 1 × 1 क्या जाएगा? 1। तो आउटपुट क्या आ गया? 1, खत्म बात। देखो तो सही यार, अरे बोलो क्या फील आया? खत्म बात। तो क्या कर दिया अपन ने भैया? 0 1 0 1, तो सीधा सीधा आंसर है।
और क्या होगा, ए प्लस बी, एंड क्या होगा, ए इंटू बी, जीरो प्लस वन, वन आएगा, वन और वन, वन ही आता है, टू मत कर देना, ये वन और वन का क्या आएगा, वन इंटू वन, वन। चलिए 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 चलिए, बहुत आसान है। डिफाइन मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है भैया, जब हम लो फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर मैसेज सिग्नल को सुपर इंपोज कर देते हैं और उसको हायर फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉड्यूलेशन कहलाता है। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड एट लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर तक नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, सो मैसेज सिग्नल इज सुपर इंपोज्ड ऑन कैरियर सिग्नल टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। लो को हाई में कर देना ताकि वो लार्ज डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाए, जा सके, मॉड्यूलेशन कहलाता है। चिंकू, इस पेपर में से भी एक आधा सवाल टपक सकता है, तो फोकस ध्यान से, है ना, बहुत इजी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइट द वैल्यूज ऑफ एंगल एंड फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी आपस में होते परपेंडिकुलर हैं, ई और बी आपस में होते परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। दोनों का इक्वेशन क्या होता है, ई का होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी का होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दोनों का देखो, ये दोनों का ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, तो जब डिफरेंस लोगे इन दोनों का, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको माइनस कर दो आप ओमेगा टी माइनस के एक्स में से, अरे कितना आएगा फेज डिफरेंस। तो ई और बी परपेंडिकुलर होंगे लेकिन फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो, वो ही लिख दिया, तो होंगे परपेंडिकुलर और फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो सीधा भी चिपका सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन लिख के ही करें, पता होता तो ई और बी 90 डिग्री पर, फेज डिफरेंस कितना, जीरो, है ना। चलिए आगे बढ़े भाई, डिफाइन सेक्शन भी आ गया भाई, सेक्शन भी, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओहो, घरेलू सवाल है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन एवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डायपोल, खत्म बात। तो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है, डायपोल नहीं पूछा था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे भैया, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। डाइपोल पूछता तो निपटा दोगे, डाइपोल मोमेंट पूछा तो निपटा दिया, और क्या चाहिए चिंगो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल एक जैसा हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, द सरफेस विच हैज पोटेंशियल इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। टॉपर्स की कॉपी का मतलब यह नहीं है कि भैया जैसा वो लिखेगा वो हम लिखेंगे, हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, हमारी 2.0 की लैंग्वेज में लिखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जब सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब जैसा रेशियो होगा इधर, मतलब 10:1 ये बराबर होना चाहिए 20 डिवाइड बाय। अब देखो इस आर का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना आएगा 6R, क्या आएगा चिंको, 6R डिवाइड बाय 6+R, खत्म बात। क्या हम इसके लिए R के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर बिल्कुल, ये देखो ये 2 आएगा, तो 2 बराबर 6R डिवाइड बाय 6+R, ठीक है सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा 3, तो इधर आएगा था 6+R इक्वल टू 3R, 6 इक्वल टू 2R, R इक्वल टू 3, ठीक है, बोलो 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 बोलो। तो देखो ये बच्चों की तरह नहीं कर सकते, बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं है, प्रो बनेंगे, 2.0 के स्टूडेंट हो, सुन लेंगे मेरी बात। क्या करना है, देखो हमें पता है ये पैरेलल में, तो सीधा चिपकाया R1 R2 डिवाइड बाय R1+R2, अरे बाकी कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर लोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले, डायग्राम बनाया, दोनों के रेशियो को बराबर कर दिया, बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आई क्या। अरे उसको भूल जाओ, कोई लोग बोल रहे हैं जूम करो, जूम करने का मतलब नहीं है, जहां पर अच्छा लिखेगा वहां अप्रिशिएट करेंगे, बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा है। तो बेसिकली दोनों का रेशियो बराबर करवाना था, और बराबर करवाकर आर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या फील आया सर, आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे आज यूट्यूब पर, अरे मैं कमेंट पढ़ूंगा तो पेपर कब करूंगा चिंकू। अच्छा बताओ भाई,
क्या यहां तक कोई टफनेस जैसी चीज लगी? ऐसा लग रहा है सर ये तो अपन बातों बातों में निपटा दिया करते थे, वो वाले सवाल है। चलो डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ाया है हालांकि डिलीटेड, जब आपका फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, खत्म बात। देखो व्हेन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, खत्म। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल्स ऑफ बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ दिस, सॉरी कहां गया, ऑफ इफेक्टिव लेंथ दिस, इतना दे रखा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता था, डाइपोल मोमेंट क्या होता था, क्यू इंटू डिस्टेंस, क्यू इंटू डिस्टेंस। वैसे ही क्या होगा, क्यू इंटू डिस्टेंस, वैसे ही आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, छोटू एम इंटू डिस्टेंस, छोटू एम इंटू डिस्टेंस। तो छोटू एम कितना दे रखा है, 40 × 0.1, खत्म बात। कितना आएगा, 0.4। अरे यार, अरे बोलो तो सही यार, क्या सबके जबान पे ताले लग गए क्या? सर इतना आसान पेपर आता है क्या? सर हमें तो पता ही नहीं था कि सर हमें इतनी सब कुछ चीजें आती है। किस किस को ऐसा फील आ रहा है कि सर हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है सर, ये तो सर हमारे घर की बात है। क्यूरी टेम्परेचर जब फेरो किस में कन्वर्ट हो जाए, तो जिसको कंसेप्ट याद होगा वो डेफिनेशन लिख देगा, और जो किताबें पढ़ रहा होगा रट रहा होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकते हैं कि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखते ही तोते उड़ गए। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल ऑफ बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, और याद करवाया भी था। क्यू इंटू डिस्टेंस होता है डाइपोल मोमेंट, और वैसे ही एम इंटू डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो टॉपर ने भी यही करा है, टॉपर ने भी यही किया है। सर जी पेपर तो अच्छा है, हम ही इसको आसान बना रहे हैं, नाइस। चलिए चलिए चलिए, राइट द लेंज लॉ। लेंज लॉ ऑब्वियस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, ये थोड़ा सा है, बस लेंज लॉ क्या है इसको समझेंगे। लेंज लॉ क्या बताता है कि भैया जिस तरीके से लूप में करंट आएगा, जिस भी लूप में करंट आएगा, इट विल अपोज द कॉज ऑफ द जनरेशन। लेंज लॉ क्या बताता है कि करंट इन अ लूप विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। माइनस साइन याद करो, EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ ND∅/dt। तो ये माइनस साइन कौन एक्सप्लेन करता था, लेंज एक्सप्लेन करता था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ईच केस ऑफ EMI, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस है, द इंड्यूस्ड EMF और द इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल अपोज द रीजन बिहाइंड इट्स ओरिजन, अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, खत्म बात, है ना। अरे बोलो, SP सर के जलवे और हलवे बड़े फेमस हैं चिंकू, बिल्कुल सही बात। बेस्ट सर जी, ग्रेट मेथड, बहुत अच्छी बात आती है, उत्तम, बहुत बढ़िया, वाह वाह। आगे बढ़ेंगे, अब सुनो, अब लेंज लॉ को इसने एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसने देखो ये थोड़ा सा ये भावनाओं में बह गया टॉपर, आपको केवल और केवल लेंज लॉ लिखना था, तो हम तो इतना लिखेंगे, समझदार हैं हम, है ना। तो हालांकि ये लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ नर्सरी में पढ़ा था, बहुत अच्छे यार, बहुत मजा आ रहा है, आज तो मजा आ गया भैया, कमेंट पढ़ के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो अगर सारा वर्क हीट में चला जाए, सोचो जो भी अपन वर्क करें, कंसेप्ट क्या था याद कर लो यार, सारा वर्क अगर हीट में चला जाए, हीट में चला जाए मतलब ये एनर्जी, ये जो एनर्जी कहां चली जाए, हीट एनर्जी में चली जाए, हीट एनर्जी में चली जाए, तो इसी को क्या बोला गया, इसी को क्या बोला गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा तो लूप बनाया साहब, लूप बनाया एक, देखो 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 देखो, ये लूप बनाया, इधर की तरफ ऊपर की तरफ है आपका एक बी टू, इधर ऊपर की तरफ है आपका एक बी वन, इसको चला रहे हो आप उधर वी से, इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, ठीक है, इसका लेंथ है एल। सुनना, अब सुन लो, सुन तो लो, सबसे पहले अगर मैं वर्क की बात करूं, देखो तो अगर मैं बोलूं इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो करंट इसमें, इसने ऐसे घुमाया, देखो इसमें टक 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 ऐसे घुमा दिया करंट, ट्यों 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 ट्यों, तो फोर्स कितना होगा बोलो, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, यही तो होता है। तो करंट है इसमें आई, करंट है आई, यहां पर बी टू है, यहां पर बी वन है ना। इसे देखो B1 को बड़ा माना है B2 से, मैं भी यही मान लेता हूं B1 बड़ा है B2 से। तो ये सामने आपके लूप है, देखो 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 देखो, टर 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 टर, है ना।
तो इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस बी, बी ऊपर है, बी ऊपर है, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, वेक्टर लॉ से, वेक्टर लॉ से डीएल क्रॉस बी फोर्स उधर आएगा, इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है, तो डीएल इधर, बी ऊपर, डीएल क्रॉस बी फोर्स इधर आएगा, उस वाले वायर पर उधर फोर्स, इस वाले वायर पर इधर फोर्स। तो मैंने फोर्स का नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने मान लो F2, और इसको मैंने इधर नाम दे दिया F1, है ना। अब F1 ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा क्यों, लेंथ सेम है, करंट सेम है, लेकिन B किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो यहां पर फोर्स ज्यादा होगा। देखो देखो देखो, ये वाला फोर्स जो होगा B1 into L into I, इस पर कितना होगा इधर की तरफ B2 into L into I, और वो ज्यादा होगा क्योंकि B1 ज्यादा है B2 से, B1 ज्यादा है B2 से, है ना, B1 ज्यादा है B2 से, ठीक है, B1 ज्यादा है B2 से। अब देखो इस वाले वायर पर और इस वाले वायर पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर है उतना ही इस पर है, जितना इस पर है उतना ही इस पर है, तो जितना फोर्स उधर आएगा इतना फोर्स इधर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं वर्क निकालूं, वर्क, तो देखो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, देखो उधर से बी वन माइनस बी टू, इन दोनों को, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, B1 माइनस B2 इंटू एल आई, ये आपका फोर्स, ये आपका फोर्स है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये चल रहा था V से, ये लूप चल रहा है V से, है ना, ये लूप चल रहा है V से, तो कितना हो जाएगा भैया, V इंटू टी, V इंटू टी, ये आपका वर्क है, ये आपका वर्क है, है ना, ये आपका वर्क है। यहां तक बात चमकी, ओके। तो B1 माइनस B2 LI, ये आपका फोर्स है, V into T चलेगा, तो ये आपका वर्क आएगा। अब इसमें I निकाल रहा हूं मैं, I, 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 I। अब अगर ये लूप चल रहा है तो मोशनल EMF आएगा, BBL, क्या आएगा, BBL, तो इसमें भी EMF आएगा, इसमें भी EMF आएगा, तो यहां पर देखो B ऊपर किधर जिधर भी चल रहा है ये V इधर, है ना, तो आपका BBL क्या आएगा, एक बैटरी यहां पर बनेगा, कितने का बनेगा, मान लो ऐसा बना, कितना बना, B1 into V into L, यहां पर बनेगा B2 into V into L, ठीक है। अब देखो जब ये चल ऐसे रहा है तो इसका लेंथ तो इसके सामने ही है, तो V और L आपके पैरल आ गए, तो इसमें कोई भी बैटरी नहीं आएगा, इनमें कोई भी बैटरी नहीं आएगा, बैटरी का बाधा, जब BVL क्या होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों में बैटरी नहीं आएगा, जब ये लूप ऐसे चलेगा तो इन दोनों में तो आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एल पैरेलल है। तो यहां पर जो नेट ईएमएफ आएगा, ईएमएफ वो कितना आएगा, बी वन माइनस बी टू वी एल, बी वन माइनस बी टू वी एल, और जो करंट आएगा वो कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं मान लू आर है, तो B1 माइनस B2 VL by R, ये आपका करंट आया, ये आपका करंट आया। तो अब सुनना वर्क, देखो यहां पर L into I, तो जैसे मैं I की वैल्यू डालूंगा तो ये क्या आएगा, देखो I की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, वर्क क्या आएगा, B1 माइनस B2, यहां पर भी B1 माइनस B2, ओहो, तो कितना आएगा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, है ना, V स्क्वायर भी हो जाएगा, L स्क्वायर भी हो जाएगा, V स्क्वायर L स्क्वायर साथ में T बाई R, ये आपका आ रहा है वर्क, ये आपका आएगा वर्क। जैसे ही आपने नेट फोर्स देखा तो दिस माइनस दिस चलेगा कितना, V इंटू टी, इसमें I का वैल्यू डाला, बैटरी डेवलप होगी मोशनल ईएमएफ से BVL, तो I का वैल्यू आया, ये I का वैल्यू डाला तो ये आया, तो ये आया वर्क। अब अगर मैं हीट निकालता, हीट हीट हीट, तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, हीट क्या आएगा बोलो, हीट क्या आएगा बोलो, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई क्या है, बी वन माइनस बी टू, बी वन माइनस बी टू वी एल बाई आर, वी एल बाई आर,
इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये आई का वैल्यू अभी हमने निकाला था, तो ये कितना आएगा देखो, आर स्क्वायर नीचे आएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर। ये आया हीट, देखो जरा हीट और वर्क बराबर है कि नहीं है, हीट और वर्क बराबर है कि नहीं है, अरे यार है कि नहीं। बी ये देखो बी वन माइनस बी टू का स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर, बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर, इसका मतलब वर्क और हीट बराबर आ रहे हैं, जो कंसेप्ट अपन ने लेके चले वर्क और हीट बराबर, मतलब जो एनर्जी है वो हीट में जा रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। बोलो 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 बोलो, अभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, सही बात है। तो क्या बात समझ में आई, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। तो क्या करा इसने, एक बार इसमें वर्क निकालना है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक बार आपको हीट निकालनी है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी है ना। तो बस यहां पर एक फोर्स आएगा, यहां पर एक फोर्स आएगा, देखो बी वन बड़ा है बी टू से, तो एक फोर्स बड़ा होगा दूसरे वाले फोर्स से, ठीक, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फोर्स कितना आ गया भाई, दिस माइनस दिस चलेगा कितना, वी, ये लूप चल रहा है वी से, टी टाइम के लिए चला, तो फोर्स इंटू टी। आई का वैल्यू निकाला तो देखो, क्योंकि ये चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो ईएमएफ ही डेवलप होगा, इन दो में डेवलप होगा, इन दो में, केवल इन दो में डेवलप होगा, इन दोनों में नहीं आएगा, है ना। हाँ। चलिए तो यहां से आपका ईएमएफ कितना आएगा, यहां का बीवीएल, यहां का बीवीएल, दोनों बैटरी इस तरीके से जुड़ी हुई है, देखो यहां से ये दोनों माइनस होगी, पोलैरिटी अलग अलग है, दोनों माइनस होगी, देखो ये डिस्कशन चल रहा है पेपर का, अगर ये क्वेश्चन में आपको समझा रहा होता ना तो अलग वे में समझाता, ये हमने पढ़ रखा है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, तो अब कंसेप्ट याद होने चाहिए, जिन्होंने इस डेरिवेशन को करा है, नहीं करा है तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस बार छप सकता है वापस, डबल स्टार बता रहा हूं, डबल स्टार। चलिए तो जैसे ही आपने आई निकाला, आई का वैल्यू डाला, तो ये वर्क आया और यही सेम हीट आ गया, खत्म। तो यही इसने किया हुआ है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो हीट को बराबर करा दिया वर्क के, हीट को बराबर करवा दिया वर्क के, ये वर्क के। राइट डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, बहुत आसान है। टीआईआर क्या होता है, जब भी लाइट डेंसर से रियरर में जाए, जब भी लाइट डेंसर से रियरर में जाए, जब भी लाइट डेंसर से रियरर में जाए, तो क्या होगा वहां पर, अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बड़ा देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा टीआईआर, और कंडीशन क्या है, डेंसर टू रियरर जाना चाहिए, यही लिखा है। When the angle of incidence is greater than critical angle, then the light rays returns back to the same medium, which is TIR. अब यहां पर मैं अगर होता तो इसके नंबर काटता, क्यों भाई, क्या ये कंडीशन नहीं लिखेगा क्या, डेंसर से रियरर में भी जाना चाहिए, 2.0 में पढ़ता तो डेंसर से रियरर भी लिखता, अरे यार डेंसर से रियरर भी तो लिखोगे, क्या TIR हर जगह हो जाएगा क्या, नहीं, तो डेंसर से रियरर में जाना जरूरी है, इसको नंबर कटने चाहिए थे इसके, है ना। बोलो भैया कौन कौन इस बात से सहमत है कि इसको नंबर पूरे कैसे थी, तो खैर इसने कंडीशन नहीं लिखी है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या पता चला कि जब आपने ऊपर के सारे चीज करेक्ट करी है तो उसका हाथ ऐसे चला, एग्जामिनर का हाथ कैसे चला, टक 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 टक, बस यही आपको करना है, जो चीज आ रही है वो चीज करने का है। अरे यार मैंने क्या कर दिया, आपको भी करना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए था सर डेंसर से रेयर कहां है, जनता जवाब चाहती है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स एजेस, इनसे जब बेंड कर जाए तो उसे
जहां पर अपन शेडो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जहां पर अपन शेडो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहां पर लाइट पहुंच जाए, क्या बोला जाता है? डिफ्रेक्शन। अब देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स ऑफ स्लिट और द ऑब्स्टिकल्स एंड फॉर्म द इमेज इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, जहां वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग शेडोज वी विल सी लाइट देयर इज नोन एज डिफ्रेक्शन। खत्म बात। राइट फॉर्मूला रिलेटेड टू मालस लॉ, डिलीटेड है, घबराने वाली बात नहीं है। 2.0 की पब्लिक सब जानती है, जानना भी चाहिए, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, जब आपकी लाइट पोलराइज हो जाती है, जब उसमें से एक प्लेन गायब हो जाता है, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई जो होती है इंटेंसिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि डिलीटेड है चिंकू, कोई बात नहीं, ये आपको नहीं आएगा। अब ये भी अगला वाला भी नहीं आएगा, ये भी आपका डिलीटेड है। व्हेन द लाइट इंसिडेंट एट 60 डिग्री रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी पोलराइज है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ब्रूस्टर लॉ होता है यहां पर एक, कि जब भी आपका कोई लाइट आए अनपोलराइज लाइट, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है आई, अरे सॉरी, टेन आई जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, टेन आई जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। तो जो म्यू होगा वो कितना हो जाएगा यहां पर, टेन सिक्सटी, क्योंकि टेन सिक्सटी पर आ रही है, तो म्यू कितना हो जाएगा आपका रूट थ्री। इस मीडियम का म्यू पूछा था, ब्रूस्टर लॉ होता है ये, जब आपकी लाइट आती है टक 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 टक, दोनों प्लेन में नाच रही है, दोनों प्लेन में नाच रही है, देखो ऐसा भी नाच रही है और डॉट में भी नाच रही है। तो अगर ये लाइट मान लो एक प्लेन गायब हो गया और यहां पर भी एक प्लेन गायब हो गया, यहां पर डॉट बच गया, यहां पर ऐसा ये लाइन बच गया, ये दोनों 90 डिग्री पर आ जाते हैं, तो ये जो आपका एंगल होता है ये होता है टेन आई, किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा, है ना? क्या बात समझ में आई यार? हां जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वही है ब्रूस्टर एंगल, ठीक है, ब्रूस्टर एंगल और सॉरी ब्रूस्टर लॉ और मालस लॉ दोनों चीजें हैं, क्लियर? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया था मैंने मैराथन क्लास में, 12.27 डिवाइड बाय रूट वी। सीधा चिपकाओ आंसर लाओ, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आंसर किसमें आता है आपका, एंगस्ट्रम में आता है, किसमें आता है, एंगस्ट्रम में आता है। सो 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रम में आपका आंसर आएगा। तो ये आपको दे रखा है वी, आपको दे रखा है 100, तो वी आपको दे रखा है 100 लगाओगे तो 12.27 डिवाइड बाय 10 आएगा, तो 1.227 एंगस्ट्रम, खत्म। ऐसा क्वेश्चन आया जा सकता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, ये आपका एंगस्ट्रम में आंसर आता है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है? बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या फील आया? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रम में आंसर आएगा चिंको। ये निपटाया, आगे बढ़े। डिराइव फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओहो, बहुत आसान। और में है एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो मीटर ब्रिज वाला करना चाहिए भैया, इजी तो यही है, इसने भी मीटर ब्रिज वाला ही किया। तो मीटर ब्रिज बनाना हमको आता ही है और वो व्हीटस्टोन के कंसेप्ट पे काम करता है। तो हमने क्या कर देना है, देखो ये आपका सेटअप है, सबको पता है इस तरीके का सेटअप होता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहां पर एक आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा एक्स, है ना, ये एक मीटर का वायर होगा, यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा L1, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस L1,
और यहां से बैटरी कनेक्टेड होगा। ये तो आपका हो गया डायग्राम। उसके बाद आर मतलब दिस बाई दिस बराबर होगा एक्स बाई दिस, दिस बाई दिस। चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया तो अब भी आ सकता है। इस बार देखो पोटेंशियोमीटर भी आया साथ में मीटर बीच भी आया, दोनों अपन ने 5 स्टार लगा रखे थे 5 स्टार। इस बार भी आएंगे, इस बार भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, इस बार भी आएगा चिंको, है ना। चलिए आगे बोलो, आगे बोलो, आगे 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 आगे। तो क्या करने का है कि जब आपने कि भैया जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बाय पुटिंग सम रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, मूव जॉकी, है ना, मूव जॉकी ऑन द मीटर मीटर ब्रिज वायर व्हेन द पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ डी एंड बी इज सेम देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। और यहां पर आपका बैलेंसिंग लेंथ आएगा, मतलब जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर पोटेंशियल सेम है, इसका भी वी, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन आर डिवाइड बाय दिस एक्स डिवाइड बाय दिस के बराबर होगा। तो वही चीज है। तो अल्टीमेटली क्या कर दिया अपन ने, रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय एक्स बराबर होगा इसके। तो फाइनली आपका एक्स कितना आएगा, तो आर डिवाइड बाय एल वन बराबर होगा एक्स डिवाइड बाय 100 माइनस एल वन। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका, आर आर इंटू 100 माइनस एल वन डिवाइड बाई एल वन, 100 माइनस एल वन डिवाइड बाई एल वन, यह आपका आ गया एक्स, यह आपका आ गया एक्स, है ना। बोलो 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 बोलो। सर हमारे फिजिक्स वाले टीचर हमें बहुत पीटते हैं, उनको बोलो मत पीटा करो सर। क्या मीटर पीछे निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे। आगे बढ़े, राइट नाइल्स बोहर्स एनी टू पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा दोनों पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, और न्यूक्लियस उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, न्यूक्लियस उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है और उसकी वजह से उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है और वो वहां पर घूम पाता है, अट्रैक्ट करता है, वहां पर घूमेगा। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स विद एमिटिंग द एनर्जी सो दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आ जाएगा कि भैया k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। ये आपका पहला पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या देता है, सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, और उस फोर्स की वजह से वो क्या कर पाता है, घूम पाता है, सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है कि भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होगा। तो वो भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस एन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली ऑन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो जिसको ये याद है वो अपने लैंग्वेज में लिख सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। चिंकू बोलो चमका की नहीं चमका, है ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर न्यूमेरिकल कहाँ है, न्यूमेरिकल आया था ना अभी 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, वही तो न्यूमेरिकल है। चलिए आइए 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 आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब सुनो भाई, इसमें सेकंड पॉस्टुलेट के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, सेलेक्ट एक्सेप्टर इंप्योरिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कौन करता भैया, जब अपन प्योर सेमीकंडक्टर और इंप्योर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देखते हैं तो एक तो होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है एक्सेप्टर। तो अगर मान लो मैं सिलिकॉन में बैंगन आलू गाजर इन थैला में से कुछ डाल दूं जिसका वैलेंसी 3 हो, बैंगन आलू गाजर
इन थेला, इनमें से कोई डाल दूं तो ये क्या होंगे, इनके पास तीन है, इसके पास चार है, तो ये जो इंप्योरिटी है वो एक्सेप्टर है। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी में से कोई डाल दूं तो वो क्या होगी, डोनर। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इनके पास वैलेंसी होती है पांच की। तो देखो ऑस्ट्रेलिया सब, ये गैलियम, ये फास्फोरस, ये तो पांच पांच पांच, एक्सेप्टर कौन है, गैलियम। ड्रॉ द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ओ हो, लो साहब, ये टक टक, ये जेनर डायोड। जेनर डायोड आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सिंबल पूछा जा सकता है, देख लो। नॉर्मल डायोड को थोड़ा सा एस बना देना, शुभम सर का एस, टक टक टक, बोलो फील आया। अरे बोलो, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अरे रे 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 रे, अब सुनना, देखो न्यूमेरिकल कहाँ है, ये रहा चिंकोप, देखो न्यूमेरिकल कितना टफ न्यूमेरिकल आया। अरे टफ का मतलब ये है निपटा दोगे एक सेकंड में, सुनना देखो कैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द पॉइंट, वेलोसिटी दे रखी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो चलती है लाइट की स्पीड से, और जो आपका वेलोसिटी होता है वो होता है ई बाई बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड बाई बी। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूला से आएगा। तो ये आपको दे रखा है 3 × 10^8, ई आपको दे रखा है 300, बी निकालना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली बात है, नर्सरी में पढ़ाया था सबको, तो भी निकल जाएगा साहब, भी निकल जाएगा। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, ठीक है, सॉल्व कर लोगे है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फील आया, फील आया, फील आया, संतरा आया, संतरा आया, संतरा कहां से आया भाई, फील आया होगा ना। डिलीटेड में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, डिलीटेड में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे 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 आओ तो सही यार। अब देखो, राइट रदरफोर्ड सॉडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिलीटेड, रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड, नहीं बताऊंगा इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर हमें तो पता ही नहीं है। अरे रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है आपके लिए, इसको स्किप कर रहा हूं मैं, बाकी बहुत आसान है। रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट लॉ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आता है, फाइनल रिजल्ट एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। धीरे धीरे मटेरियल्स कम होते रहेंगे, वैसे ही रेडियो एक्टिविटी का, वैसे ही रेडियो एक्टिविटी का क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा रिजल्ट आता है। तो जब इस लॉ से आप इसको डिराइव करोगे तो ये फाइनल आपका इस तरीके से आता है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, डिलीटेड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्टेनिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, पीएनपी, ट्रांजिस्टर इन कॉमन। ओके, कॉमन एमिटर, तो भाई डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए। जिसको डायग्राम याद है वो थ्योरी भी लिख पाएगा, जिसको डायग्राम याद है उसको थ्योरी भी आएगी। देखो केमिकल काइनेटिक्स में आता है, बिल्कुल भाई, मनु सैनी ने बोला है। अरे सर, अच्छा तो सुने, तो ये आपका डायग्राम है, सेटअप का डायग्राम आना चाहिए। तो जो सेटअप आप बनाओगे उसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। ये VBB, ये VCC, ये आपका बेस करंट IB, और साथ में आपने क्या लगाया, माइक्रो अमीटर, यहां पर है ये आपका आउटपुट करंट, ये आपका मिली मिली एम्पियर आपने यहां पर लगाया, मिली अमीटर लगाया है। ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये VBE है, बेस और एमीटर के बीच में, और ये पूरा वाला जो है वो C और ई के बीच में है, यहां पर आपका बेस। तो जो आपने लगाए हैं उसी को आपको एक्सप्लेन करना है सर्किट के लिए। तो सर्किट डायग्राम बनाना था आपको, तो सर्किट डायग्राम तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन एमिटर पीएनपी, पीएनपी, तो बेस इसमें क्या है, पीएनपी, बेस इसमें एन है, एन। तो देखो एस शोन इन द सर्किट, अब देखो मैंने आपको बताया था किसमें माइक्रो एम्पियर, माइक्रोमीटर लगेगा, किसमें मिली अमीटर लगेगा। एस ऑन इन द सर्किट एमिटर इज कॉमन इन बोथ कलेक्टर एंड बेस, एमिटर कॉमन है। अच्छा, बेस वोल्टेज इज मेजर्ड बाय
मिली वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू बेस करंट इज मेजर्ड बाय माइक्रो अमीटर. सिमिलरली मिली एम्पियर एंड वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज. ठीक है. अच्छा, तो जो चीज आपने बनाई है कि भैया बेस करंट मेजर करने के लिए माइक्रो अमीटर, आउटपुट करंट मेजर करने के लिए आपने मिली अमीटर लगाया. यहां पर देखो, बेस और अमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए मिली वोल्ट मीटर लगाया और कलेक्टर और एमीटर को मेजर करने के लिए आपने नॉर्मल वोल्ट मीटर लगाया. इसको एक्सप्लेन कर दिया, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हो गया, खत्म. उसके बाद बनाने का है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जब भी अपन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते थे, अपन आईबी को कांस्टेंट मानते थे. क्या मानते थे? कांस्टेंट मानते थे. ऐसा ग्राफ आने वाला है, याद है कि नहीं है सर? आईसी और वीसी के बीच में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच के ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं. बहुत अच्छे से बताया हुआ है, खत्म बात. जो इतना लिखेगा नंबर आएंगे. और ये होती है सैचुरेशन करंट. आईबी होगा कांस्टेंट, आईबी होगा कांस्टेंट. तो देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में डेफिनेशन देखना. कीपिंग बेस करंट कांस्टेंट, आईबी कांस्टेंट, टेक रीडिंग बिटवीन कलेक्टर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट या फिर आउटपुट करंट. ठीक है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड द कलेक्टर करंट. देन सेट ऑफ आईबी एट सम अदर वैल्यू कांस्टेंट, अगेन टेक रीडिंग बिटवीन वीसी एंड आईसी. मतलब बेसिकली ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आईसी एंड वीसी कीपिंग द बेस करंट कांस्टेंट. दिस वुड बी द ग्राफ, और ये ग्राफ आता है और ये ग्राफ आपने बना दिया, खत्म खत्म खत्म. इसके बाद इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? जैसे जैसे वीसी बढ़ाओगे, जैसे जैसे वीसी बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका आईसी बढ़ेगा और कुछ देर के बाद में कांस्टेंट हो जाएगा. जैसे जैसे वीसी बढ़ाओगे आपका आईसी बढ़ेगा और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, आईसी वुड बी कांस्टेंट, आईसी वुड बी कांस्टेंट. तो ये आपका फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट वीसी इंक्रीजेस, आईसी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट आफ्टर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वीसी आईसी बिकम्स कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट. अपनी लैंग्वेज में मक्खन आंसर लिखा है, स्टूडेंट को मिलेगा एप्रिसिएशन. बहुत शानदार आंसर लिखा है, बहुत शानदार. चले आगे बढ़े. ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर आरएलसी सर्किट कनेक्टेड विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. एसी का है और इंपीडेंस आपको डिराइव करना है या फिर लिखना है. बहुत आसान था, मैं होता तो यही करता. Derive an expression for induced EMF for a rod rotating in uniform magnetic field. अच्छा, uniform magnetic field में अगर कोई नाच रहा है, देखो अगर ये rod नाच रहा है, इसका length L है ना, omega से घूम रहा है और B है अंदर की तरफ, B है अंदर की तरफ, तो हम क्या करेंगे? हमारे को induced EMF निकालना है. तो याद करो यार, omega से घूम रहा है, एक्स पे जाके एक डीएक्स का एलिमेंट लोगे, ये कितने से चलेगा? ओमेगा इंटू एक्स से, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर. यहां हो जाएगा ओमेगा एक्स. तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट में पोटेंशियल निकालूं, बी वी एल, बी वी एल, तो ये आएगा डी ई. छोटा सा जो ईएमएफ है, डी वी लिख लो, डी ई लिख लो. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका? बी है. तो बी वेलोसिटी कितना है? ओमेगा इंटू एक्स है. इसका लेंथ कितना है? डीएक्स है. तो बीवीएल से, बीवीएल से कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड? बी. इसका वेलोसिटी कितना है छोटे से टुकड़े का? ओमेगा एक्स, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा एक्स इंटू डीएक्स. इंटीग्रेट कर दो चिंको, तो ये आ जाएगा ईएमएफ एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक, ये आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, खत्म बात. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास में नचा नचा के, नर्सरी क्लास में पढ़ाया था वैसे पढ़ाया था. बोलो याद आया, बोलो बोलो बोलो. सर मैं आपको जानती हूं, आप शायद भीलवाड़ा से हो. अच्छा बोलो भाई, फील आया? इस बार पेपर हार्ड, ये ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही चिंकू पेपर आएगा क्या? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिराइव नहीं कर सकते क्या यार?
यही तो पूछा था, इंड्यूस डीएमएफ इन अ रॉड रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटे से एलिमेंट का लिखो, इंटीग्रेट कर दो जीरो से एल। ठीक है, जीरो से एल इंटीग्रेट कर दो, कितना आसान है यार, देखो इतना सा आंसर है, इतना सा आंसर। तो वही चीज इसने भी करी है, चिंकू ने। चिंकू ने क्या लिखा है, सपोज अ रॉड इस तरीके से मूव कर रही है, तो छोटा सा ईएमएफ क्या आएगा, बी वी छोटा डीएल, वी क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स या फिर ओमेगा इंटू एल, इंटीग्रेट कर दिया जीरो से एल तक, खत्म। जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर दिया सब, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो फिर इसने आगे भी लिखा है भाई, देखो ओमेगा को टू पाई एफ लिख दिया, तो वो सब आप भले ही नहीं भी करेंगे ना ये सब, तब भी चलेगा, यहां तक आपका आंसर करेक्ट है। सर आप मेरे घर के सामने रहते हो, अच्छा मुझे भी नहीं पता ये तो, अक्षिता को लगता है, मुझे भी लगता है इस बार पेपर हार्ड आएगा। हाँ पूर्वा, पेपर हलवा था, हम पिछले साल ही पढ़ देते तो, हमें नर्सरी में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है पूर्वा, पेपर कैसा भी आए निपटा देंगे गार्गी, बिल्कुल सही बात है सर एक बार, अरे यार बोलो तो, अच्छा डिमांड हो रही है, अरे यार चिंकू बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या फील आया कि नहीं आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे यार चलिए चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम बाबा, चिंकू पेपर में मार्क्स लेकर आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यार एक बात बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या आसान है कि नहीं है, क्या ये हम सबको आता है कि नहीं आता है, क्या 2.0 में पढ़ने के बाद ये सब इजी है कि टफ है, मुझे ये बता दो बस। राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइविंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग शीट। देख लो मैंने बोला था कंडक्टिंग शीट इस बार भी आने की संभावना है भयंकर, कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, और कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम। लो शेडेड रीजन से निकालना है, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं इसने क्या किया, चिंकू ने क्या किया। अच्छा एक और ये भी है, और में है भाई और में है ना, दिस एंड दिस, डिफाइन कैपेसिटर क्या होता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर क्या है वो बताना है और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखना है, मतलब डिराइव करना है, और फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मेरे हिसाब से चिंकू ने यही किया होगा। चलिए भैया न्यूमेरिकल देखो, ये रहा न्यूमेरिकल, ये भी हाँ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कर दो आप, व्हेन टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अरे यार सीरीज वाला तो हमको आता है चिंको, देखो तो सही यार, ये 1 2 3 तीन का बोला था उसने, तीन का कितने का बोला था, तीन का बोला था। तो बोलेंगे भैया यहां पर अगर v आया, इस पर आएगा v1, इस पर आएगा v2, इस पर आएगा v3, q is equal to क्या होता है, cv होता है, चार्ज पर क्या होगा, इस पर भी q, इस पर भी q, इस पर भी q, अरे बोलो फील आया कि नहीं आया, q q q जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूं v is equal to v1 plus v2 plus v3, v बराबर v1 plus v2 plus v3, तो बोलो क्या लिखूंगा, v1 को क्या लिखूंगा भैया, v1 को क्या लिखूंगा q by c1, v2 को क्या लिखूंगा q by c2, v3 को क्या लिखूंगा q by c3, लो साहब q by c1 plus q by c2 plus q by c3 plus v को क्या लिखूंगा q by c equivalent, q q q q कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन c equivalent इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन, अरे चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास में, बोलो याद आया कि नहीं आया, अरे यार बोलो तो सही। हाँ जी बिल्कुल सही बात सर, तो ये आपने डिराइव कर लिया सर, इसने भी ये डिराइव कर लिया, देखो ये रहा ये टक 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 टक, और ये जो आगे की कहानी है इसको तो मैं बिना पेन के निपटाऊंगा, आप भी मेरे साथ हैं, चलो आओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ये लो, तो 1 और 1 का कितना आएगा बोलो, पैरेलल है 1 और 1 का कितना आएगा, 1 और 1 पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाता है, तो ये आएगा 2, 1 और 1 का आएगा 2, 4 और 4 का आएगा 8,
ये कितना आएगा 8। ओहो, उसके बाद देखो ये 2 और ये 2 सीरीज में है, और ये वाला 8 और ये वाला 8 ये भी सीरीज में है, तो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, टेउने 2 और 2 का आएगा आपका वापस इधर 1, और इधर कितना आएगा 8 और 8 का यहां पर आ जाएगा आपका 4। यहां पर है ए, यहां पर है आपका बी। आप बना सकते हो, 1/1 भी सॉल्व कर सकते हो। देखो तो सही यार, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से ये पैरेलल में है चिंको, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है, तो 4+1 5 इसका आंसर है, 5 माइक्रोफेरड। खत्म बात। देखो चिंकू का कितना आया, चिंकू का कितना आया, चिंकू का कितना आया, अरे कहाँ आया रे, चिंकू का कितना आया, 5 आया भाई। बहुत बड़ा किया है चिंकू ने, हम भी इसको निपटा लेंगे, वो भी बिना पेन के, ठीक है, पानी भी नहीं पूछेंगे इससे, है ना, आते ही निपटा देंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे 1/1 सर्किट, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और जो प्रो बच्चे हैं वो प्रो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट राइट राइट, एम्पियर्स लॉ। अच्छा, ड्रॉ अ डायग्राम एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग वायर। बोला था इंपॉर्टेंट है, इनफिनिटी लॉन्ग वायर और सोलेनोइड, इसमें से इस बार एक टपकेगा, एक आएगा, 5 स्टार है, 5 स्टार, अरे 5 स्टार चॉकलेट है, किटकैट नहीं है, 5 स्टार है, आने वाला है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर या तो सोलेनोइड पक्का। चलिए, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या है भैया, लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई। बिल्कुल सही बात है, इसी को एक्सप्लेन कर दो। देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द लेंथ ऑफ एम्पियर लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द लेंथ ऑफ एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हां जी। चलिए, तो ये एम्पियर लॉ। अब ये वाला अभी रिवीजन क्लास में चलाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अच्छा सीबीएसई वालों को पढ़ाया था, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर आ जाइए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका एम्पियर लूप हो जाएगा यहां पर, तो अब आप लिखेंगे बी डॉट डी एल, इसके बराबर लिखेंगे म्यू नॉट इनटू, इसमें करंट कितनी जा रही है, मान लो इसमें से करंट जा रही है आई, ये है आपका आर, तो बी और डीएल, हर जगह पर बी और डीएल के बीच में एंगल आता है जीरो, फील करना है यार, फील करना ही हमें आता है, बी इधर आएगा तो डीएल भी इधर आएगा, बी इधर डीएल इधर, बी इधर डीएल इधर, बी इधर डीएल इधर, तो क्या लिखूंगा, बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन करोगे, बी को बाहर लिख दोगे क्योंकि सब जगह एक जैसा होगा, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2πr, इस पूरे का इंटीग्रेशन डीएल 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 2πr आएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, तो बी कितना आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2πr। अरे घर की बात है ये तो ना, ये भी आता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई, ये म्यू नॉट इनटू आई लिख दिया, बी डीएल कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा, बी और डीएल के बीच में हर जगह पर एंगल जीरो आएगा, ये जीरो चिपकाया, बी डॉट डीएल आया, डीएल कंडीशन करोगे 2πr आएगा, 2πr को नीचे डाला, आंसर आ गया, खत्म बात। आगे बढ़ेंगे, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ मिरर इक्वेशन, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो भैया मिरर वाला तो पोर्शन डिलीटेड है, रिफ्लेक्शन डिलीटेड है, बाकी आप इसको आसानी से देख सकते हो, डिलीटेड है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। फिर आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये क्लास में करवाया है, जो 2.0 का रेगुलर बच्चा है उसको ये पता है, बाकी ये इस बार डिलीटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो खत्म ही हो गया भैया, कहानी खत्म, पैसा जम। चलिए बोलो फील आया। अब मुझे सभी लोग एक साथ कमेंट करके बताएंगे कि क्या जो हमने पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, अगर ये पेपर आ जाए, डिलीटेड पोर्शन को छोड़ दो, तो क्या इसको पानी पिला दोगे, क्या इसको दौड़ा दौड़ा कर मारोगे, फटाफट से बता दो, बोलो। और कैसा लगा आज का सेशन, किस तरीके की एनर्जी थी, टाइम का पता चला कि नहीं चला, और ना चलना चाहिए और ना चलेगा,
तो इसी तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें और मेरी गुड विशेष सभी के साथ हैं, हमारे 2.0 के परिवार, उत्कर्ष के परिवार, जो बच्चा भी देख रहा है, सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से आप मेहनत करें और इसी जॉलीनेस के साथ पढ़ते रहें, बिकॉज जॉलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार बोलो, फील आया, फाड़ देंगे सर, पूरे में से पूरे लाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाओ सर, बिल्कुल बनाऊंगा, डोंट वरी, सीरीज में बनाएंगे, 120% फोड़ देते हैं। 21 सितंबर से ही फील आ रही है सर, क्या बात है, क्या सर जा रहे हो सर, अभी तो और पढ़ना है, क्या बात है, ठीक है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, कतई जहर हो गया है ना, रायता पिलाओगे इसको पानी नहीं, बहुत अच्छे, चलिए इसके पीछे लेकर भगाएंगे, छोड़ेंगे इसको पूरा। तो बहुत अच्छे से आप पढ़े, बहुत अच्छा लगा, और इसी फील के साथ पढ़े, जॉलीनेस के साथ पढ़े, बिकॉज जॉलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन यू ऑल बच्चा पार्टी, कीप प्रैक्टिसिंग विद जॉलीनेस, बहुत अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी सुन लो, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या सर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो ज्यादा लिखना है क्या? नहीं, टू द पॉइंट लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है, जो आए उसको पहले करना है, एग्जामिनर का हाथ ऐसे चलना चाहिए। अरे यार फील आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एनर्जी विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।